अध्याय छ ध्यान योग। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाते हैं और न कर्म करते। तात्पर्य इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करते, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करते। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी कहलाता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जड़म न सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी, नहीं मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी। श्लोक संख्या 2। यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असंस्यत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम लोग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो बंद हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में रहता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास
योगी कहते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते, किंतु कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ही दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनाविद द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। श्लोक 3। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्तस्येव शम कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म करना साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तात्पर्य, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और ऊपरी भाग को योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। श्लोक संख्या 4। यदा ही नेन्द्रियार्थासु न कर्म सनुजस्य सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनाविद के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर तक पहुंच सकता है। श्लोक संख्या 5। उद्धेरात्मनात्मानं नात्मानं अवसादे आत्मनेव हि आत्मानं बंधो आत्मनेव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए
कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीवी का मित्र भी है और शत्रु भी। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा से होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन को योग पद्धति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीवी को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्र विषयों के प्रति आसक्त होता है वो उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामित में निरत रखा जाए। ये शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषयाशंगो मुक्ते निर्विषयम् मनः। मन ही मनुष्य के मोक्ष का और मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है। इंद्र विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामित में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण होता है। श्लोक संख्या 6। बंधुर आत्मनात्मानस तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय का नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार इस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। श्लोक संख्या 7। जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत्त कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए।
मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पराप्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा दुख सुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहते हैं। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान वित्तात्मा कुतस्थो विचितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्म कंचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णता संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्र कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। परम सत्व की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत में कहा गया है, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतियदौ। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसन्मी होती है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुकी होती है। वह आत्मदिव्य होते हैं क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उनके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं लगते। सुहिन मित्री उदासी मध्यस्तद्वेष बंधुसु साधुसु अपि पापेषु सम्बुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, ततस्थो, मध्यस्थो, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तब वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युंजीत सतत सत्तम आत्मानं रहसी स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्म तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकर ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते, क्योंकि निराकर ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं।
इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदा एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं से पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेस मात्र स्थान भी नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावना मित्र का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयां यथार हम उपयुञ्जत, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुन मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यं फगु कथ्यते। जो मनुष्य किसी वस्तु के लिए आसक्त न रहते हुए कृष्ण संबंधित हर व्यक्ति को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण संबंधित प्रत्येक वस्तु को दिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता अथवा फलगु होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली बाती जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु को लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामित के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामित के प्रतिकूल वस्तुओं का प्रत्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है, और कृष्ण भावनामित से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकर न रखने के कारण सदा अकेले रहता है। अतः कृष्ण भावनामित में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। सुचो देशे प्रतिष्ठाय थिदर मानसम आत्मणम नाति उच्चतम नाति नीचम चैलाजिन कुसोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यचितेन्द्रिय क्रिय उपविश्य आसने युञ्ज उद्योगम आत्म विशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन को न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए विशेषता पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयम में नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाता। अतः बृहद नारायण पुराण में कहा गया है कि कलयुग में, आज का जो कलयुग है, जबकि लोग अल्पजीवी हैं, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल कलौ नास्त्येव 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 गति अन्यथा। कल और दम से युग के मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है।
कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्लोक संख्या 13 और 14। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिश चान अवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। योग्याभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वावन स्वरूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य पति घर में या अन्य मैथुन भोग करने वाले और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्ववस्थासु सर्वदा सर्वत मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचिच्छते। सभी कालों में सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णता दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में पवित्र रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों को शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या वो ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश भी नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता में कहा गया है, विश्याविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाविनिसेवितः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है अतः कृष्ण भावनावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय
योग सम्मतियों समितियों से भिन्न है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगिनी यत्मानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत संस्था अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं। नहीं, भौतिक अस्तित्व की प्राप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकार। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय भुवम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्त मत पर मत स्थान, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत बोतवा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोकेव निव सत्य अखिलात्म भूत। यदि भी भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराप्त आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावनाविक व्यक्ति पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, वेदों में श्वेत अश्वतर उपनिषद में पाते हैं, तमेव दित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु से पथ पर जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में। नात्यश्नत अस्तु योगो अस्ति न चैकान्तस्मनस्तत न चाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैव चार्जुन। अर्जुन, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा निंद के नियम की संस्तुति की गई। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न साग फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते तघम पापम ये पचंत आत्मकारणा। जो व्यक्ति इन सुक्ति ने खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है
जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना में व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वस्तु उपवास करता है, न वो आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वो योग अभ्यास करने के लिए पूर्णता योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद्गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को साग फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावनामित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावनामित व्यक्ति कृष्ण भावनामित में कर्म करने के निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वो व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्व कृष्ण भावनामित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श रूप गोस्वामी है जो कृष्ण की सेवा में निमित्त लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटों से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो इतना व्यस्त हो जाते थे कि वो भी भूल जाते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे न सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावनामित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित, क्योंकि कृष्ण भावनामित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कर्मों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं रहता। श्लोक संख्या 18। यदा विनियतम चित्तम आत्मणि एव अवतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब योग में सुस्थिर कहलाता है। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना महावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचां वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशौ तद्वृत्त गात्यत्र स्पर्श अंग संगमं ग्राणं च तत्पाद सरोज सौवर्भे श्रीमत् तुलस्यारसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणो शिरो ऋषि केश पदाभिवंदने कामं च दास्ये नचुत काम काम्या
यतम श्लोक जनाश्रया रति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कलमस कमल पुष्प की सुगंध सूखने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान का प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्विचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपरिवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रिया तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रिय तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमाप्स्मितः योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक जलता है। यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनितुष्यति सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते तादिकं ततः यस्मिन् अस्थितो न दुःखेण गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग योगम योग संयुतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य को चाहिए योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध जीवन शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इतना बड़ा इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। यानी संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति। योगा अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं में से क्रमशः विरक्त होता जाता है, यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगा अभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रमाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु ये पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य अंग को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य अंग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते,
किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्या पतंजलि व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की। योग सूत्र में महर्षि जी ने कहा है, पुरुषार्थ शून्याणाम गुणानाम प्रस्रव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रति। यह चिति शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को केवलम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति है। भव महादावाग निर्वाह फलम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। भगवद गीता के श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है जिसे कृष्ण भावना भावित मित कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो भ्यासा। यह चित शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन सातवें अध्याय किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। अब संप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सही प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डरता नहीं। जब तक योगी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथागतित योग अभ्यास में विभिन्न इंद्र सुख सम्मिलित है जो योग के सर्वदा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहां तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुसंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। तो जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का प्रमुख उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना मित्र है जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना मित्र व्यक्ति अपने धन में इतना सुखी रहता है कि उसे अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग ध्यान योग तथा गण योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता आहार निद्रा भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना में स्थित रहता है वह शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं रोगों अभावों तथा
और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावना मिथ्या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, आग मोपाय नो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक जाति प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, और क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि घटनाएं ऐसी आती जाती रहती है और इनसे अपने कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योग अभ्यास में फल सिद्धि प्राप्त करता है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वित्न चेतसा संकल्प प्रभवान कामा तक्त्वा सर्वं शेषतः। मनसेवेन्द्रिय कामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे, अंत में उसकी सफलता निर्दिष्ट है। यही सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने विलंब हो जाए तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह धैर्य तत्त कर्म अपवर्तना संगतागास तो वृद्धे सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उल्लास धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रखकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों के पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे, जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपने लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे, उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आ गई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ के तुरंत समुद्र से कहा कि वह उनके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इसे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए और गौरैया गरुड़ की कृपा सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। सने सने रूपरम्यं तत् बुद्ध्या दितिग्रीत्या आत्मसंस्तम्भनम् कृत्वा न कंचित किंचित अपि चिंतये। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में भी नहीं स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य
समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि के अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। यतो निश्चलति मनः चंचलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियमेता आत्मनैव सम्यक्। मन अपनी चंचलता एवं अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्र सुख के मानक से भिन्न विज्ञ होता है। दिव्य इंद्र सुख वह है जिसमें इंद्रिया ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी। प्रशांतम अनसंहेणम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति सांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। इस योगी का मन मुझमें स्थिर रहता है, वह निश्चय दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मा एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूत यह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमस से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवै मन कृष्ण पदारविंद। भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण मार्ग में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमस से मुक्त होना है। युंजने एवं सदात्मानं योगी विगत कलमस सुखे ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम उष्णते। इस प्रकार योगाभ्यास निरंतर लगा रहकर आत्मसम्य योगी समस्त भौतिक कलमस से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करने जा रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। सर्वभूतस्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मणि इच्छते योग युक्तायाम सर्वत्र समदर्शनम। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूताणाम हृदयेश्वरजुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ता या ब्रह्म में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यदि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त सिद्धों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आतस्वाच मातृवाच
आत्मा ही परमो हरि। भगवान सम प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालन करता के समान। इस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखते हैं, उसी प्रकार परम पिता भी रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इच्छाओं का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में शक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वो प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति ही की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से ही परे, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ के एक रूपा हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो जाता है। जब मन भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है, उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लक्ष्य है, आत्मनिपिना। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेमानुचित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयोस विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल रहते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते। यही बात हो योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रहता। सर्वभूतश्च तम्यो माम भजन एकात्मा आस्थित सर्वता वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्व योगी के बीच कोई अंतर। कृष्ण भावनामित में योगी सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है। निखिलावस्यवस्थासु
जीवन मुक्त सोचते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाले भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाते हैं। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक् कालाद्यन वच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति चिप्रम जीवो ब्रह्मण योजे। देश काल से अतार अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना में थे। केवल इस ज्ञान से ही कि प्रत्येक जब कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय परमात्मा रूप में उपस्थित है योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल अपने उपनिषद में भगवान की अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि बुधा सन बहुधा यो भवाति। यदि भी भगवान एक है किंतु वह इतने जितने सारे हृदय में है उसमें उपस्थित रहते। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपने अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। आत्मोपन्येण सर्वत्र समं पश्यन्ति च अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन जो पूर्व योगी है और अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के अनेक उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रगति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करना चाहता है करता चलता है। अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियतम। दूसरे शब्दों में भक्त भगवत भक्त सदैव जीवों कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं जानता चाहता अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त तो समस्त व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। श्लोक संख्या 33 अर्जुन वाच यो यम योगस्त व्याप्रोक्त साम्येण मधुसूदन एतस्त्यायम न पश्यामि चंचलस्त्वात्थितिम स्थिरा। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचो देशों से लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में समान व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करें। आधुनिक की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म संक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो जीवन शैली आसन विधि स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं के विरक्ति का नियमन करती।
व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन संभव है, भले ही वह किसी कई बातों से इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वो महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो है कि वह भगवान श्री कृष्ण घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिसमें यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योग अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या करना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलम तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरेवं सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर उस श्रृंखल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान है और दुर्ग्राही है, कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कितने में रूपों में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धिं शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धिं मनः प्रग्रमेव च, इन्द्रियाणि हयानाः विषयास्तेषु गोचरः, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत् याहुर् मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से जीत पाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावाट को रोक पाना कठिन होता है और उस श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन होता है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, वह है समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णता कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य वस्तु व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। श्री भगवान वाच, असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना
संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावना मित्र के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। उनको समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाए उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेना पर जिससे जिनसे मन का कोई संबंध नहीं है मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में पवित्र होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अति कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। या कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण ने कार्यकलापों को का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि। असंशयम आत्मा मनोयोगो दुष्प्राप इति मे प्रमति वस्य आत्मना तु यत्तत्ता शक्त्यो वा अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उस श्रृंखल है जिसके लिए उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यवहारों से विलग नहीं कर पाता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भाग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगा कर उसे वश में करे। कृष्ण भावना में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थित कर पाना असंभव। कृष्ण भावना में व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अपर्याप्त योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की क्या गति होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा वह ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिसके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीन विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठ प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे किंतु ज्ञान के अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास
होने पर ही मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो जा सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है मनुष्य इस विधि का पालन करने पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छुटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभन के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग के विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। कच्चिन्नो विभ्रष्ट छिन्न ब्रह्म इव नास्यति अपतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणोपति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता? इसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक के मार्ग को चुनता है तो उसे सही प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है। उसका कोई स्थान नहीं रह जाता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बाहर ले जाती और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मणोपति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य पर पहुंचने में अनेक जन्म लग सकते हैं, बहुनाम जन्मना मिलती। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि। ए तन्मे संशयम् कृष्ण चेतुम् अर्षयिष्यसेत तव धन्य संशयस्यास्य चेताना ह्युपद्यते। ए कृष्ण, मेरा यही संदेह है और मैं आपसे पूर्णता दूर जिसे दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले। भगवद गीता में प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है न ही उसके उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना व्यक्ति ही जान सकते हैं कि वो कौन क्या है। श्री भगवान वाच पार्थने वह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यो में नियत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कहीं बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्वत्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजे मरे अभजन अपक्वो अपपते ततो यदि
यत्र क्वाव भद्रम अभूदमुष्य किम किम बो अर्थ आप तो बज तामस धर्मत। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते कर पाते। मोती लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से सर्व स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्णा भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता, वह इस प्रकार से लगा रहता है। वह अगले जन्म में निम्न योमी में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि किसी उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो वह आवश्यक नहीं कि उसे सुफल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अपने अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पांचवी केंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत शिक्षित तथा अशिक्षित बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं जो सदैव ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकामकर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकामकर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं जहां तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुभव नहीं करते। सुख कर्म तो वो है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंज मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के कारण पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा सास्वती समा सुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के गुण में जन्म ले सके।
योगाभ्यास की वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इससे इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना में तक ऊपर ले जाते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतम लोके जन्मयदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्य या गोस्वामी कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत गीता कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति वृतान सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रश्न दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था से अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते चो भूय संसिद्ध कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्व सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व देव चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात। पहले यह इलावित वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत के अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम कुल ब्राह्मण में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगढ़ ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। पुर अभ्यासेण तेणेव हृयते अवश्योपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न जानते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई। अहो बतो स्वपाचो तो गरिया यजिवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपे तते सुश्चार्या ब्रह्मानुचर नाम गृहन्ति एते। ये भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक चेतना में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 300,000 भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वह निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा।
अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। प्रयत्नाद्यत्मानो तु योगी संशुद्ध किल्विसहि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। जब योगी समस्त कलमश से युक्त शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतकत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है, इसी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ये साम त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तभी भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तपस्विभ्य अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मतः कर्मिभ्यो अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब जब हम योग का नाम लेते हैं तो अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो इसे कर्मयोग कहलाता है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो यह भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है, अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई। योगिनापि सर्वेषां मत्कतेनंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है और वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च, यही मेरा मत है। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्षित से अभाव व्यक्त नहीं होता क्योंकि इससे पूजा करना सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वरूप स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में पुष्टि हुई है, यह एषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टां पतन्त्यध। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण के श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी समान जीव के लिए किया जा सकता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम बूढ़ा, केवल मूर्ख तथा दुष्ट भगवान कृष्ण का उपहास करते। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता का भाष्य कर बैठते, फलतः वे भजंती तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते।
भक्ति योग समस्त योगों की परिणीति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो उस अवस्था ज्ञान योग की कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना में होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावनामित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनकी अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेतास्तर उपनिषद। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथितायर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का पूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्यस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधिने। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती। ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम सिद्धि समसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत